जो बाल हैं जो हिमशो निकाल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बिल्कुल भी सुपर बात नहीं बोलूं। अच्छा, हमको सिखा रही है? क्योंकि सुपर बात कब की जा चुकी है, आप लोग भी अपना काम निपटा चुके होंगे, हमारे घर में भी काम हो चुका है। बात तो सही है। एक निकम्मा बंदा इधर बैठा है, कुछ खा रहा है, और दूसरा महानिकम्मा ये बैठा है, सो रहा है मजे से। लेकिन हाँ, मैं आपको बताती हूँ, बैक ऑन द ट्रैक, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं नाबू की करने वाली हूँ ब्रशिंग। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हम मुझे भी सजेस्ट कर रहे हैं कि नवाब के बालों को क्या हो गया है, वो ऐसे निकल क्यों रहे हैं, आप उनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, या उसको गंजा करा दो, बाल निकलवा दो, ये सब। तो मैं आपको बताती हूँ, सीजन चेंज हुआ है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो कोट चेंज होता है बच्चे का। तो आगे मैं दिखाती हूँ, नाबू को कॉम करने वाली हूँ, उसमें जो बाल खुद से निकल रहे हैं वो भी थोड़े से निकालूंगी, तो आगे देखते हैं। लेकिन अभी नाबू की कॉम करने से पहले मैं दिखाती हूँ नाबू के बापू को। देख लो, सब लोग क्या देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ओके, नाबू के बापू के बाल भी कोई नवाब से कम नहीं है, इवन नवाब से ज्यादा ही है, और बंदा इतना तो परेशान रहता है। ये वाली बात बताने की नहीं थी, पर अब तो बता। मेरे बाल तुमसे ज्यादा अच्छे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे हैं, लंबे भी हैं। लंबे भी हैं मतलब बिल्कुल। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी मतलब जो ऐसे बोलती होंगी यार, ये देखो ना बाल कितने हैवी और सिल्क, मतलब हैवी और कर्ली है, ऐसे हेयर सबके पास नहीं होते। हाँ, मेरे पास नहीं है ना, सबके पास में नहीं होते, लेकिन इन्हें मैनेज करना इतना मुश्किल है ना भाई, वो बस तो पूछो मत। मतलब जितना तुम्हें आ गया ना लड़कियों की तरह छोटी करना, यो यो यो। और ये मैं पता आगे क्यों आ रहा हूँ, मैं आगे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है हिमशो ना जूम वूम नहीं करती, बस हिमशो देती है फोन ऐसे और सीधा टक। हाँ, मैंने सच में जूम नहीं किया, जूम नहीं करा, जूम करके दिखाओ एक बार। ये देखो रोहन का ना बन, जैसे लड़कियां बनाती है ना, बिल्कुल ऐसा बनाना आ गया है। सीख गया रे तू, सीख गया मेरा लाल, सीख गया। शेडिंग वाला लोग है तो हाँ, सॉरी बाल बड़े करने के तरीके नहीं, नहीं बड़े नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। जिसके साथ ये सब कुछ होना है वो बिल्कुल बेखौफ सो रहा है, उसे पता ही नहीं है उसके साथ होने वाला क्या है। मैंने ले लिए अस्त्र शस्त्र शस्त्र औजार औजार देखो औजार इज ओके, अस्त्र और शस्त्र में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है अस्त्र होता है बचाव करने के लिए, शस्त्र होता है चलाने के लिए। ये मुझे नहीं पता था, तो इसमें कोई सा भी ना अस्त्र है ना शस्त्र है, औजार औजार है, औजार बोल सकते हैं। नाबू के औजार है, हेयर्स कॉम करेंगे अब हम लोग। स्लीकर है, ये दोनों डी शेडिंग है, ये मैनुअल है, और ये ऐसे वाला है, अपना फर निकल जाए। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जितने सारे ब्रशेज हिमशो ने दिखाए हैं ना, इन सबको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। सबसे पहले आप ब्रशिंग ब्रशेज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए कि यार हमारे लिए हमारे बच्चे के लिए कौन सा ब्रश बेटर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो जो लंबे बाल होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, हस्की हो गया, या फिर सैन बर्नार्ड हो गया, या फिर सिडजू हो गया, तो इनके बाल थोड़े से जो है लंबे होते हैं, और लंबे बालों को चाहिए होता है ऐसा ब्रश जो उसके थोड़ा डीप तक चला जाए। तो ये जो ब्रश है ना, ये थोड़ा डीप तक चला जाता है, इसलिए नवाब के लिए थोड़ा बेटर है। बाकी मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में ये वाला ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं ना ब्रशेज, तो हमारे सबके घर में ब्रशेज होते हैं ये वाले, और इनके दांते भी ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे हैं, इनके दांते भी काफ़ी लंबे होते हैं, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, और इससे ज़्यादा बेटर होता है, ट्रस्ट में। मतलब तो मेरा पर्सनल सजेशन है, आप ये वाले जो ब्रशेज होते हैं ना घर के, इन वालों को भी यूज़ करके देखना, बहुत ईजी होते हैं, और जब आप रेगुलरिटी पे ले आओगे इन सब चीजों को तो आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं ये दिखा रहा हूँ जो बाल हैं जो हिमशो निकाल रही है, ये है शेडिंग वाले हेयर। अभी देखो मैं जो ये हेयर्स निकाल रही हूँ ना, ये थोड़ा मैं अपने हाथ से निकाल रही हूँ अभी, जो नेचुरली, ये देखो, तो इसमें जो शेडिंग वाले हेयर है ना वो भी निकल के आ जाएंगे। नाबू देख रहा है, यार मम्मी गंजा कर दोगी क्या आज ही मेरे को, है नाबू आप ये देख रहे हो ना कि मम्मा गंजा तो नहीं कर देगी आपको। ये देखो लोमड़ी के बाल देखो कैसे निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नवाब को ऐसा लगता होगा कि मतलब जो इसके बाल है ना, इससे हम कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि यार कोई भी बंदा फ्री में तो इतनी चीजें करता ही नहीं है ना, है ना। देखो भाग गया भाग गया भाग गया, कह रहा है पापा तुम सही कह रहे हो बिल्कुल, ये कुछ तो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ऐसे एक कॉम निकालिए, है ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं ना, इतने बाल निकलने के साथ साथ कि ये एक हेल्दी बच्चा होने की निशानी होती है, जब आपके बच्चे की अगर इतनी अच्छी शेडिंग हो रही है ना, इसका मतलब कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी है। और जो इसका भी कोट आ रहा है, ये भी गर्मियों के लिए आ रहा है, जो बिल्कुल गर्मियों के। मैंने जस्ट ये इतने से एरिया में मैं कॉम किया मैंने, और अभी देखना बाल देखो कितने निकले, एरिया इतना हो रहा है। भाई नाबू कह रहा है आप या तो व्लॉग बना लो,
या फिर मेरी कॉम कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ऐसे। ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत करो, है ना, डिस्ट्रैक्ट मत करो मम्मी, प्यार से, है ना, ठीक है ना। अब मैंने बोल दिया मम्मा को, अब अच्छे से करेंगे, आपके लिए बस कॉम करूंगी, पापा कोई व्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैमरे से थोड़ा हमारा लड़का आज परेशान हो रहा है। और ब्रशिंग के साथ साथ में इसका एक और सोल्यूशन है, आपको अपने बच्चे को हेल्दी रखना है। हेल्दी किस तरीके से आप रख सकते हो, उसको अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन खिला के, अच्छी कंपनी का सैल्मन ऑयल यूज करके, और साथ में उसे हाई प्रोटीन डाइट देकर, अच्छी देकर। और डेली ब्रशिंग तो करनी है, शेडिंग टाइम में तो 110%। और ना बुक आ रही कबूतर की आवाज, अभी ना कबूतर है, बैठने देना, क्या हो गया। तो भाई जैसे नाबू तेज है, वैसे ही नाबू के माँ बाप तेज है। नाबू को पकड़ लिया, दबा लिया है बिल्कुल, कि अब भाग के दिखा दो, अब दिखा दो कहाँ जाएगा। तेरी तो मिलवाओ कबूतर से, है बाद में। माँ के प्यार के सामने किसी की नहीं चल रही है। मैं तो कह नहीं सकता कि भाई आराम से कर लो या कुछ कर लो, आराम से कर रही हूँ, ड्रामे कर रहे हैं। कबूतर से मिलना है, इसको मिलाओ इसको कबूतर से। और माँ की चप्पल भी बराबर में रखी होगी, मार सकती है माँ बिल्कुल। मैं अभी लगा दूँ, बेलन रखा है ना बस, कोई पास भी नहीं। तो बेलन को मेरे साथ में क्यों रिलेट कर रहे हो भाई, नवाब की सेटिंग चल रही है। और ये व्लॉग बनाने का रीजन यही है कि मतलब गलती से भी अपने बच्चे को ट्रिम नहीं कराना है। हाँ। क्योंकि ट्रिम कराने से क्या होता है, होता। आपके जो ये बच्चे के बाल है ना, जब आप इन्हें सारा उतरवा देते हो, सिर्फ ये सोच के कि आपके बच्चे के बाल बहुत ज्यादा उतर रहे हैं, उससे क्या है, आपके बच्चे को फिर डायरेक्ट सनलाइट लगती है जो इन्फेक्शन करती है अपने बच्चे को, और दूसरा डायरेक्ट धूल मिट्टी लगती है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और दोबारा बच्चे के हेयर्स की ग्रोथ सेम नहीं आ पाती जो पहले होती है। जिन लोगों ने कराया वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। क्या है ये भाई, आजा आजा, बादलों में जाएंगे ना वो, बादलों में। आजा, मैंने जो उसका फ्लफ निकाला ना हाथों से ऐसे करके, तो वो अच्छी बात है, ऐसे निकालना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करता है। जब आप उस बालों को निकाल लोगे तो उसकी जगह पे न्यू हेयर जल्दी आ जाएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भी आप मतलब ऐसे नहीं निकालने चाहिए, नेचुरली निकलने देना चाहिए, नेचुरली नहीं निकलने देना चाहिए। ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम उस फ्लफ को निकालें और जो न्यू हेयर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चों के ढंग से आप कॉम नहीं करते हो ना, फ्लफ ऐसे ही छोड़ दो, इन्फेक्शन भी होता है। तो ये देखो, एक नाबू और बना रही हूँ मैं आप सबके लिए। क्यूट सा नाबू, एक नाबू और बन जाएगा आज, ठीक है बेटा। ओले बबो, ओले बबो, ओले बबो। ये क्या कर दिया आपने, ओए गुंडे बच्चू। नाबू बिलाई करे भाई, थोड़े बहुत तो छोड़ दो। हाँ, सारे निकालोगे क्या आज, कंधे ही खड़ा लोगे मुझे। आप लोग जो ये फर देख रहे हो, ये नवाब का है। मैं इतना कॉम कर चुकी हूँ और अभी तो और करनी है, अभी मेरा काम अभी है बीच में हम लोग। लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर करनी है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, आपको अपने बच्चे को कभी भी शेविंग नहीं करानी है अनटिल जब तक उसको कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर सजेस्ट ना करे। सबसे पहले आप शेविंग कराते हो तो जब वो बाल उतर जाते हैं, स्किन एकदम क्लीन हो जाती है, तो उसमें धूल मिट्टी लगती है, धूल मिट्टी लगने से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा, जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, उससे भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा, आप अपने बच्चे की डाइट में मल्टी विटामिन कैल्शियम ऐड करो, अच्छे ब्रांड के, अच्छे कंपनी के, और नेचुरली भी उसकी जो डाइट है वो भी अच्छी करो, मेनटेन एकदम हाई प्रोटीन वाली। और तीसरा, जब हम हमारे जो बच्चे की जो शेडिंग होती है ना, जो बाल होते हैं, जो आपने देखा मैं नवाब कैसे निकाल रही थी, तो वो आपको जल्दी ही निकालने चाहिए, जरूरी ही निकालने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन बालों को नहीं निकालोगे तो वहीं पे रह जाते हैं। और उसके बाद में जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है बच्चे को, उससे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन बन जाता है, फंगल इन्फेक्शन बन जाता है, जिससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं स्किन में, और फिर आपको ना चाहते कई बार अपने डॉग को गंजा करवाना पड़ जाता है। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप अपने बच्चे को अगर दिन में एक बार या दो दिन में एक बार भी कॉम नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो कॉम करो ही करो। कॉम करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, हेयर फॉल के लिए भी, और शेडिंग देना है, सैल्मन ऑयल देना है, डाइट अच्छी रखनी है, और डेली कॉम करनी है। डेली कॉम इज़ लाइक मतलब बहुत बड़ी चीज़।
डेली कॉम आपको जरूर करनी है। जो आप अपने बच्चे को डेली ब्रशिंग करते हो ना, तो आपके बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपको पता है कि मतलब हमारी बॉडी में भी कितने फायदे मिलते हैं। तो सेम इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही है, जब उन्हें आप अच्छे से हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में अगर एक बार उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप उन्हें मतलब ब्रशिंग कर देते हैं, तो आपको बाकी बीमारियों से भी बचाव मिलता है। एंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमें क्या करना है कि हमें कम से कम 15 दिन में अपने बच्चे को नहलाना है। 15 दिन से पहले नहीं नहलाना है। अगर आप 15 दिन से पहले अपने बच्चे को नहलाना स्टार्ट कर देंगे तो उन्हें इन्फेक्शन इवन और हेल्पफुल बढ़ जाएगा। डेली नहलाने से, रोज नहलाने लेने से, या एक दिन छोड़ के हम अल्टरनेट पे, मैं मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक दिन छोड़ के नहला देते हैं, उससे इवन हेयरफॉल बढ़ जाता है। तो हेयरफॉल बढ़ जाएगा उससे, लेकिन मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी आप महीने में 2 बार बास दो, और उससे स्मेल की प्रॉब्लम भी होती है ना, जो जब ज्यादा नहला देते हैं ना हम, ज्यादा बात दे देते हैं, तो उससे जो बच्चे हैं उनमें से बदबू आने लग जाती है। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे से बदबू आ रहा है, तो उसका रीजन ये होता है कि आप उसको ज्यादा मत नहलाओ। और कॉम तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, आई नो हम लोग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं व्लॉग्स पे, लेकिन कल से हम लोग बिल्कुल रेगुलर होने वाले हैं, और हम लोग अपने रूटीन में, डेली रूटीन में क्या करने वाले हैं आप सबके साथ शेयर भी करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो नाबू के लिए।